हमने बोला कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, हम उसमें से जो है हम करा करके हम दे देंगे, आप जल्दी जो है एस्ट्रोटर्फ बनाने का काम कीजिए। ताकि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इंग्लिश विलो बैट जो उस समय आता था 6,000 का आता था, आजकल तो 30,000 के ऊपर चला गया है। तो आप इमेजिन कीजिए, गरीब परिवार में अगर कोई खेलते खेलते अगर कोई यॉर्कर मारे और उसका टो लग जाए, बैट का टूट जाए, तो आप समझिए कि 30,000 रुपया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के ज्ञान भवन में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया था, जिसमें आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहे। और तेजस्वी यादव ने ये घोषणा किया है कि देश का अगर सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, तो मोइनुलहक स्टेडियम होगा। जिस तरह से बात करें तो नालंदा में राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मोइनुलहक स्टेडियम को इस तरह से बनाया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। क्या कुछ करें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। अब जस्ट इमेजिन इफ सम प्लेयर इज प्लेइंग ऑन अ नॉर्मल टर्फ, मिट्टी में सॉइल में अपना खेल रहा है, अनइवन है, और इंटरनेशनल मैचेस नेशनल मैचेस आपका एस्ट्रोटर्फ में होता है, तो कितना मुश्किल होता होगा उस लेवल पे जाकर के उस ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ पे खेलना। तो उसके लिए हम लोग भाई बात किए हैं, तो इन्होंने जमीन जो है उपलब्ध कराई है। हमने बोला कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, हम उसमें से जो है हम करा करके हम दे देंगे, आप जल्दी जो है एस्ट्रोटर्फ बनाने का काम कीजिए, ताकि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो नेशनल गेम है कम से कम उसका तो हो। अब नेदरलैंड जो है बिहार से कितना छोटा है, वो देश है, कितने एस्ट्रोटर्फ होंगे वहाँ पर कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही साथ वी आर कमिंग विद द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है, और ये जो हमारा जो पुराना जो मोइनुलहक स्टेडियम जो है इसको भी जो है हम लोग जो है इसका काम जो है शुरुआत हो चुकी है, और जल्दी ही ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का हम मैं कह सकता हूँ कि देश में सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम होगा तो मोइनुलहक स्टेडियम होने जा रहा है। उसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा भी इंडोर गेम्स वगैरह हो या बाहर का मैदान हो, उस हिसाब से हम लोग जो है उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास भी है, मैं उसको देखता हूँ स्वास्थ्य को। तो एक सोच आया था मेरे दिमाग में, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेले हैं और मेरा दोनों एंकल पैर का जो लिगामेंट है वो टूट चुका है। कई खिलाड़ियों का इंजरी होता है, और स्पोर्ट्स इंजरी सबसे महंगा होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो स्पोर्ट्स इंजरी के लिए हमारे बिहार में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हम एज अ हेल्थ मिनिस्टर हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि जो हमारा LNJP हॉस्पिटल है, जो स्पेशलिस्ट फॉर द बोन फ्रैक्चर्स वगैरह के लिए, वहाँ पर हम लोग जो है एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो है खोलने जा रहे हैं। तो चाहे जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन चाहिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, उस कवायद को जो है हम लोग जो है पूरा ज़रूर करेंगे, ताकि हमारे बिहार के लोग अगर घायल हो खेलते खेलते तो दूसरे प्रदेश में जाकर के खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और बाद में हम लोग सोचेंगे भी कि कोई अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करते करते अगर कोई इंजर्ड हो गया या नेशनली खेलते खेलते इंजर्ड हो गया तो उसका भी एक्सपेंस जो है हम लोग लेने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमने पहले भी बोला था, वो नेट जाम में जो है दिखा, नेट जाम का आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो एक प्रोग्राम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वहाँ सब लोग थे ही। बात हुई कि भाई जितने हमारे खिलाड़ी कम से कम वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर आपका जितने स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं जो खेलते हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो उनका या जो इक्विपमेंट, चाहे क्रिकेटर्स के लिए बैट हो, उनकी पूरी किट हो, शूटर्स के लिए हो या आर्चरीज के लिए हो, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग प्रोवाइड करें। एक लेवल पे अगर वो आ जाते हैं तो वी शुड स्पॉन्सर देम, उनको जो है बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि
खेल कूद की चीज़ें भी जो है इतनी महंगी हो गई हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इंग्लिश विलो बैट जो उस समय आता था 6,000 का आता था, आजकल तो 30,000 के ऊपर चला गया है। तो आप इमेजिन कीजिए, गरीब परिवार में अगर कोई खेलते खेलते अगर कोई यॉर्कर मारे और उसका टो लग जाए, बैट का टूट जाए, तो आप समझिए कि 30,000 रुपये गया, तो कितना महंगा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है विचार कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव किस तरह से कह रहे हैं कि अगर अगर देश का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा अगर स्टेडियम होगा तो मोहनी लाल का स्टेडियम होगा, उस पर काम हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करें कि बिहार में स्पोर्ट्स के मामले में जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, और आज 2.0 जो स्पोर्ट्स कॉन्वेंशन रखा गया था पटना के ज्ञान भवन में, जिसमें तमाम जो कला संस्कृति विभाग के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और कला संस्कृति मंत्री भी मौजूद थे, तो साफ तौर पर घोषणा किया है किए हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मोहनी लाल का स्टेडियम होगा जो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।